और बात करेंगे महामुकाबले की। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला देखने को मिलेगा और दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज इंग्लैंड से शाम 7:30 बजे गुयाना में होने जा रहा है। ये महामुकाबला पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को मात दी। बता दें कि गुयाना में मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है। हालांकि बारिश में मैच रद्द होने पर फाइनल में पहुंचेगा भारत। बेहतर रन रेट से भारत फाइनल में होगा और सभी की निगाहें आज टिकी हुई हैं T20 महामुकाबले में जो कि शाम 7:30 बजे आज होने जा रहा है गुयाना में। और इस बीच यहाँ पर जो फैंस हैं वो किस तरह से रोमांचित हैं तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि लोगों से बातचीत भी करेंगे। बिलासपुर से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जगदलपुर से आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आशुतोष, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक तरफ मौसम भी बेहद सुहावना है और जिस जगह मैच होने वाला है गुयाना में, वहां पर भी माना जा रहा है कि बारिश थोड़ा खलल डाल सकती है इस मैच में। हालांकि मैच को लेकर लोगों का क्या कहना है, कितने ज्यादा लोग रोमांचित आज देखने को मिल रहे हैं इस मैच को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारत का रन रेट है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर बारिश की संभावना जिस तरीके से जताई जा रही है, अगर बारिश होती है तो जरूर ये मैच रद्द हो जाएगा और जब रद्द होगा तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन मुकाबला किस तरीके से ये होने वाला है इस पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि जो है काफी फैंस और ये इंतजार भी कर रहे हैं कि काफी समय हो चुका है T20 जो वर्ल्ड कप जीते हुए। आपको क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से इस बार फॉर्म में नजर आ रही है, लगातार मैच जीतते नजर आ रही है, आज जो है सेमीफाइनल है, आज का मुकाबला काफी कड़क होने वाला है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, एक भारतीय होने के नाते तो हम चाहेंगे कि भारत सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी, और फॉर्म में भी टीम है, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। विराट कोहली को लेकिन प्रदर्शन करना होगा अच्छा, और 2007 के बाद से भारत 2020 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। मुझे लगता है ये अच्छा अवसर है भारत के लिए, इस बार 2020 वर्ल्ड कप भारत को जीतना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए सभी उम्मीद ये लगा रहे हैं कि भारत जो है जरूर यहाँ पर जीत हासिल करेगी। आप कैसे देख रहे हैं इस बार जो प्रदर्शन भारत का रहा है 2007 के बाद, क्या लगता है कि ये जो है इतिहास दोहराएगा भारत? बिल्कुल दोहराएगा भैया, जिस हिसाब से प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा कमबैक है, एक नहीं तो दूसरा 11 के 11 खेल रहे हैं, पूरा टीम एफर्ट है और जीतेगी। और आज का मैच इतना जरूरी है भैया कि ICC द्वारा नियम के तहत मैच के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी रखा गया है, क्योंकि रिजर्व डे नहीं है, फाइनल एक दिन बाद ही होना है, तो रिजर्व टाइम रखा गया है कि ये मैच संपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि भारत की जनता पागल है अपनी टीम को जिताने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल भारत की जनता पागल है जिस तरीके से आप देख रहे हो। कोई पसंद है जो खेल रहा है भारत टीम में, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हिटमायर, मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपनिंग आकर भी जो है वो काफी ज्यादा रन मार रहे हैं। इस बार क्या लगता है आज का मैच में जो है कौन अच्छा प्रदर्शन करेगा? आज रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी तीसरे नंबर पे आना चाहिए, इसमें डिस्कस हो रहा है कि विराट कोहली को ओपनिंग करवाया जाए या ऐसे जायसवाल को उनके साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए, ये सोच रहे हैं, अभी टीम में डिसाइड होगा तो पता चलेगा। मन में तो काफी ऐसी उलझन भी है जो कौन आएगा क्या होगा मैच में। आज 17 साल बाद एक बार फिर मौका मिला है, 2007 में उलझन जरूर है और उसके बाद नहीं पता क्या साल बाद क्या होने वाला है, क्या कैसा रहेगा। ठीक है आशुतोष, बने रहिए, बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्योंकि सबको पता है पिछले वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड ने ही भारत को हराया था और इस बार रोहित के पास अच्छा खासा मौका है बदला लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये मौका है इंग्लैंड से बदला लेने का और ये बड़ा मैच है। ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया जीतेगी और आज जो बड़ा मैच है उसको लेकर भी बड़ी उम्मीद है कि हमारे सभी खिलाड़ी चलेंगे। आज एक बड़ा मैच सेमीफाइनल का मैच है, किस तरह की उम्मीद है खिलाड़ियों से? जी, इस बार सेमीफाइनल का मैच है, साल 2022 में इंग्लैंड ने हराया था, आज बदला लेने का अच्छा अवसर है और हमारी भारतीय टीम फुल फॉर्म में है, बैटिंग से लेकर बॉलर तक अच्छे खेल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम फाइनल में जगह बनाएंगे। बिल्कुल, जो फैंस है वो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में जगाएंगे, कौन कौन खिलाड़ी चलेंगे ऐसा लग रहा है और किन पर ज़्यादा उम्मीद है कि वो खिलाड़ी खेलेंगे तो मैच का रुख पलट देंगे? आप जानते हैं शुरू में अभी विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है हाल ही में, लेकिन अभी विराट कोहली अच्छा कर सकता है क्योंकि उसको जाना जाता है कि अच्छे मैच में परफॉर्म करता है वो, तो होप कि रोहित भी फॉर्म में आ गया। आप देखेंगे पिछले मैच में रोहित ने भी 92 के आसपास रन किया था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, तो अभी विराट भी रन कर सकता है, रोहित भी फॉर्म में आ गया तो रोहित का भी चलना बहुत जरूरी है अगर हमको अच्छा रन करना है, तो ये दोनों के ऊपर
बहुत ज़्यादा इंडिया टीम का वो रहेगा कि अपन कर सकते हैं। कितना स्कोर, यदि पहले बैटिंग होती इंडिया की, कितना स्कोर है जो सेफ होगा गवाना के जो ग्राउंड में, और बारिश की खलल भी है, ऐसे में डीएलएस पे यदि डिसीजन हुआ तो क्या मानते हैं कितना रन बनाना होगा जिस पर जीत जाए इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि 7 घंटे 20 मिनट का आईसीसी ने रूल रखा है, क्योंकि रिजर्व डे नहीं है आज, 7 घंटे 20 मिनट का रखा है कि अगर 2:20 के आसपास जो उन्होंने टाइम रखा है, मे बी आज मैं जहां तक देखा हूं उसके बाद ही 10 ओवर कटेगा, उसके बाद ही 10 ओवर कटेगा, उसके पहले तो नहीं कटेगा बारिश के चांस। ठीक है वीरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच राजधानी भोपाल का भी रुख करते हैं। शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, हर फैंस यही चाहता है कि ये मैच भारत जीते, और हर कोई चाहता है कि मैच हो, बारिश ना हो, लेकिन सुनहरा मौका है भारत के पास भी, और साथ ही रोहित जो ब्रिगेड है वो पूरी तरह से तैयार है आज के लिए। आप बिल्कुल संभव, आपने ये सही कहा कि हर कोई फैंस यही चाहता है कि आज इंद्र देवता मेहरबान नहीं हो वेस्ट इंडीज में, और उसकी वजह यह है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से वहां पर अलर्ट जारी किया गया है आज के बारिश का, और कोई रिजर्व डे भी नहीं है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि रन रेट में हम आगे हैं, अगर मैच नहीं होता है तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, एक चीज है। दूसरी चीज अब ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद बदला लेने का मौका है, क्योंकि पिछली बार सेमीफाइनल में अगर किसी ने मात दी थी तो वो इंग्लैंड ही था, और इंग्लैंड से आज बदला लेने का मौका है। और मेरे साथ भोपाल के युवा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कितनी उम्मीद, किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा, कौन शानदार बल्लेबाजी या गेंदबाजी करते नजर आएगा? मुझे लग रहा है आज कोहली का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, और सब कुछ हमारे पक्ष में है, चूँकि हम सबसे ऊपर है, हमारा रन रेट सबसे बेहतर है, तो अगर बारिश होती भी तो हम सीधे फाइनल पहुँचेंगे। बट फिर भी ये है कि अगर बल्लेबाजी की बात करें तो इंग्लैंड को तो हम अच्छे से पीट लेंगे आज, और कोहली बहुत अच्छा खेलेगा आज। कोहली पे इतना विश्वास क्यों? पिछली मैच में तो रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करी थी, सूर्य कुमार ने करी थी। बस इसीलिए क्योंकि कोहली बहुत टाइम से शांत बैठा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छी बल्लेबाजी आज करेगा, और ऐसे बड़े मैचेस में कोहली हमेशा अच्छी पिटाई करता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बड़े मैच में बड़ा कमाल करके? बिल्कुल बिल्कुल, कोहली बड़ा मैच में आज बड़ा कमाल करेंगे, और अच्छी, और गेंदबाजी में भी मुझे आज उम्मीद है कि स्पिनर का जलवा रहेगा आज, जितना मुझे लग रहा है स्पिनर आज अच्छे जलवे करेंगे। आप किस पर उम्मीद सबसे ज्यादा कि ये खिलाड़ी आज तो चमक जाए? आई थिंक जडेजा आज कुछ कमाल दिखाएगा, और रोहित शर्मा जो पिछले मैच में चला था वो इस मैच में भी कुछ ना कुछ करके जाएगा। अच्छा, रोहित शर्मा फास्टर अभी चल सकता है, और तो चल ही रहे। फास्टर की बात करें या फिर बॉलिंग में बात करें हम? बूम 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 बुमरा या बारिश भी साया बनी हुई है भोपाल में, भली से ही गर्मी है लेकिन वहाँ तो बारिश अलर्ट जारी किया हुआ है। मेरे ख्याल से बारिश नहीं होनी चाहिए, वो तो हम चाहते ही जवाब देना बेटर रहेगा, बारिश नहीं होना चाहिए, मैच इंडिया को जीतना चाहिए। जीतेंगे ही हम, ये देख सकते हैं संभव फ्रेंड्स से कह रहे हैं कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल, और बेसब्री से इंतजार है हर किसी को, हर फैंस को, मैच को लेकर। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेला जा रहा T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये मुकाबला सेमीफाइनल में एंट्री कर चुका है। अब सभी अहम मुकाबले वेस्ट इंडीज में होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज का जो मैच है बेहद खास होने वाला है। बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका, शब्बीर आपका, और वीरेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद। तो T20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस इंग्लैंड का महा मुकाबला देखने को मिलेगा, और ये कोशिश है कि जो 2022 में हार मिली थी उसका बदला आज इन अंग्रेजों से लिया जा सके।